प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और अब उस बहन ने बताया कि इस फरवरी में उनकी शादी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन बहनों के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, फोन कॉल में पूछते हैं कि सर हम कैसे प्रार्थना करें, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से रोज शाम की प्रेयर में आपको प्रार्थना के बारे में सिखाएंगे कि कैसे आपको एक इफेक्टिव प्रेयर करनी है। दोस्तों केवल परमेश्वर से मांगना ही प्रार्थना नहीं है कि हम बैठे और प्रभु से कहें प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मेरी शादी करा दे। ये केवल यही कहना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रार्थना कैसे करें या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका। उसमें पहला पार्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रार्थना को हमने चार भागों में डिवाइड किया है और आज मैं आपसे पहले भाग के बारे में बताऊंगा। प्रार्थना का जो पहला पार्ट है वो है एडोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आराधना या फिर प्रेजिंग या फिर स्तुति या फिर बड़ाई या फिर परमेश्वर की प्रशंसा या फिर परमेश्वर की तारीफ करना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम इन बातों की ओर जाते हैं, परमेश्वर की आराधना को करना। अब परमेश्वर की आराधना हम किस प्रकार से करें? परमेश्वर की आराधना हम उसकी बड़ाई करके, उसकी तारीफ करके, उसकी आराधना को, उसकी प्रशंसा को करके करें। जब भी आप परमेश्वर के पास जाएं तो इन शब्दों के साथ में आप परमेश्वर के पास जाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। अब ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि वचन कहता है, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है। वो इस योग्य है कि हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा को करें। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी कि हम सबको इसीलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा को करें, हम उसकी तारीफ को करें, हम उसकी प्रशंसा को करें, उसकी बड़ाई को करें, उसके नाम को हम धन्य कहें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर कितना महान है और हमें उसकी बड़ाई करनी है। भजनकार दाऊद भी अपने भजनों में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्रकार के शब्दों से आप परमेश्वर की बड़ाई करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदि और अंत है, शुरुआत और अंत है। परमेश्वर राजाओं का भी राजा है, सबसे महान है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। वो अल्फा और ओमेगा है। उसने शून्य से सब कुछ को उत्पन्न किया, उसके शब्द मात्र से सृष्टि की रचना हो गई। इस प्रकार के शब्दों से हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। इस प्रकार के शब्द परमेश्वर की प्रशंसा के शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्द परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार के शब्दों को लेकर हमें प्रार्थना में
जाना है। yes. और सबसे पहला जो स्टेप है, हमें परमेश्वर की तारीफ करना है। yes. परमेश्वर की बड़ाई करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है इन शब्दों से। yes. इनसे भी कई अधिक शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। परमेश्वर आपके मनों में उन शब्दों को डालेंगे। yes. पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे जब आप प्रार्थना में आराधना के साथ में बैठेंगे, तब परमेश्वर आपको उन शब्दों को देगा और आप परमेश्वर की बड़ाई करते चले जाएंगे। yes. आपको समय का पता नहीं चलेगा कि कब कितना समय आप परमेश्वर की बड़ाई करने में लौलीन रह गए। yes. अब सवाल यह उठता है कि हम ये प्रशंसा, ये बड़ाई क्यों करें? एक तो परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी तारीफ करें। yes. हम उसकी बड़ाई करें। उसके काम इस प्रकार के हैं कि हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। yes. उन कामों की तारीफ करनी चाहिए। yes. वो इस प्रकार के हैं, परमेश्वर के गुण ऐसे हैं कि हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। वो इस योग्य है, हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी तारीफ करें। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं। जितना हम उसकी बड़ाई करते हैं, जितना हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जितना हम उसकी महिमा करते हैं, उतना हम परमेश्वर के करीब चलते जाते हैं और परमेश्वर भी हमारे करीब आता है। फिर हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं, दीवारें बंद, दरवाजे खुल जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब यहोशू यरीहो की दीवार के पास में थे और उनके सामने वो बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार को पार करना उनके लिए नामुमकिन था, तब परमेश्वर ने उनसे कहा 7 दिन तक उस दीवार के चारों ओर राउंड लगाना और 7वीं बार जय जयकार करना। और दोस्तों, आप जानते हैं, जब उन्होंने जय जयकार किया, मतलब परमेश्वर की महिमा की, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा की, मतलब परमेश्वर की आराधना की, उस समय वो दीवार नींव से हिल गई और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बंद दरवाजा उनके लिए खुल गया, जो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर की बड़ाई करने से उनके जीवन में हो गया। हम पौलुस और सिलास के जीवन में भी देखते हैं, जब वे दोनों जेल में बंद थे और उन पे बेड़ियां लगी हुई थी, जेल के फाटक बंद थे और जेल के फाटक पर पहरेदार थे, परंतु आधी रात दोनों आराधना को करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। विपरीत परिस्थिति में जब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, तो बाइबल में लिखा है, अचानक एक भूकंप हुआ और जेल के फाटक खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। मेरे प्रियो, जब हम आराधना को करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। जब हम आराधना को करते हैं तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब हम आराधना को करते हैं तो बंद दीवारें टूट जाती हैं। जब हम उसकी प्रशंसा को करते हैं तो असंभव काम संभव हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर की आराधना को करें, उसकी तारीफ को करें, उसके प्रेजिंग को करें, उसकी महिमा को करें, उसकी प्रशंसा को करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ेंगे और आपके जीवन में असंभव संभव हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना को करें और उसके समीप बढ़ते चले जाइए। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा और जीवित प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड फादर, प्रभु आप तो महान है पिता। आप तो अति स्तुति के योग्य है पिता। लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम इन दिस इवनिंग। लॉर्ड फादर, धन्यवाद पिता, हम आपके नाम की आराधना करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे परमेश्वर, ये समय खुदावन आपने हमें दिया पिता, कि हम आराधना के द्वारा प्रभु जी, स्तुति के द्वारा, तारीफ के द्वारा तेरे समीप आ सके परमेश्वर। लॉर्ड, आपको ये भाता है कि आपके बेटे बेटियां आपकी तारीफ करें। हालेलुया प्रभु, आज की शाम में जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, उन सब के हृदयों में प्रभु जी आपके तारीफ के शब्दों को भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर
परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, ओ तारीफ के योग्य पिता, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्य उद्धारक प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह आग की ज्वाला के समान है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर प्रभु, तू हमारा बचाने वाला प्रभु है, हमारा सृष्टि करता है, सृष्टि को अपने मुंह के शब्दों से बनाने वाले ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा को करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, तू परम धन्य परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप शारोन के गुलाब है पिता परमेश्वर, आप हमारे गुनाहों को माफ करने वाले पिता है यीशु, हमसे अगापे और अगापे प्रेम करने वाले पिता है यीशु राजा, हम पर अपनी दया करुणा को बनाए रखने वाले परमेश्वर है, हमें अपने उपस्थिति में बुलाने वाले परमेश्वर है, पवित्र बुलाहट देने वाले परमेश्वर है प्रभु। महामहिम की दाहिने जा विराजमान प्रभु, सिंहासन पर आप है, आप ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद कि स्वर्ग दूत प्रभु तेरे सम्मुख है प्रभु, तेरी तारीफ तेरी हमदो सना करने के लिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु तूने पेड़ पौधों को, पक्षियों को, सृष्टि में जो कुछ है प्रभु, वो सुंदरता प्रभु तूने दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। और प्रभु सबसे बड़ी बात कि मनुष्य को बनाने वाला मेरे प्रभु तू है, मेरे खुदावन प्रभु, अपने हाथों से आकार देने वाले प्रभु, हमारे कुम्हार, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड फादर, अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोने वाले ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु जी। अरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अधिपति है प्रभु जी, तू राजा है प्रभु यीशु मसीह, तू तत्व की छाप है पिता परमेश्वर, मलिकिशिदक की रीति में सदा के लिए याजक है प्रभु जी, तू सनातन ईश्वर है, हमारी ढाल है, हमारा शरण स्थान है। हालेलुया प्रभु, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आज की शाम में खुदावन हम सब तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते, वी लिफ्ट अप योर नेम, हम तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते हैं, क्योंकि तेरा नाम सारी पृथ्वी पर ऊंचा है प्रभु जी, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर धन्य है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। शांति देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें चंगा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ यहोवा शम्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, यहोवा नीसी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एलोहिम तेरा धन्यवाद करते हैं, अल्फा और ओमेगा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदि और अंत हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू ही तो प्रभु एल सदाई है, एडोनाई है, इनफिनिटिव एलोहिम है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु राजा। ओ मेरे हमारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, अपने शब्दों से अपने मुंह को खोल कर प्रभु, जब आज की शाम में तेरे बेटे बेटियां तेरी तारीफ कर रहे प्रभु, धन्यवाद कि आज आप खुश है कि आपकी बेटे बेटियां प्रभु तेरी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, नए नए शब्दों को आप इनके जीवन में दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में, मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपके बेटे बेटियां जो आपके सम्मुख आपकी तारीफ करके आए हैं, जो आज आपके साथ में कनेक्ट हो गए हैं प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज वो जिस भी निवेदन को लेकर बैठे खुदावन यीशु मसीह, इनकी आराधना के द्वारा इनके बंधन टूट जाए, इनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु, इन्हें चंगा कीजिए प्रभु। और खुदावन आज की रात के लिए प्रभु हम चाहते कि आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु जी, इन्हें सिखाइए प्रभु यीशु मसीह के तेरे और सम्मुख आकर तेरी तारीफ करें प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु जी, आप प्रभु यीशु मसीह हमें राजधारियों के समाज बनाने वाले परमेश्वर है खुदावन, आपने प्रभु हमें राजदूत ठहराया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे नाम को लेकर बुलाने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, तू कितना पवित्र है
प्रभु, कितना कोमल, कितना निर्मल है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारा पालनहार है प्रभु, तो हमारा सृजनहार है प्रभु, हमारा तारणहार है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिता। ओ अनदेखे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे परम पिता के पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र मेमना, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना को, प्रभु इस आराधना को मेरे यीशु राजा हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु। हमारे मुख से निकलने वाली तारीफ के शब्दों को तूने ग्रहण किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम सारी बातों में यीशु राजा आपको आदर महिमा देते और कहते प्रभु कि आप इनके सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके जीवन की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद, सारी बातों में आपको महिमा और आदर और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु हमारे जलाली ईश्वर के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।